रोहतक जिले तो एक बहुत ही हैरानीजनक मामला सामने आया जिथे कि एक उम्मीदवार की हार तो बाद उसनु ढोल धमाकियां दे नाल उसका स्वागत किया गया ते करोड़ा रुपए की राशि दी गई ते एक वड्डी गड्डी दे के भी सम्मानित किया गया। दरअसल ये मामला रोहतक जिले के चिड़ी पिंड दा है जिथे कि 12 नवंबर नु पंचायत दीआं चोणां होईआं ते हार तो बाद उम्मीदवार धर्मपाल दा पिंड वासियां वल्लों 2,11,00,000 रुपए की नकद राशि ते एक वड्डी गड्डी दे के उसनु सम्मानित किया गया। इसका कारण पिंड वासियां दे वल्लों यह दसिया जा रहा है कि पिंड दे विच भाईचारा बनिया रहे ते उम्मीदवार का हौसला ना टुटे इस करके कदम चुकया गया। उत्थे इस प्रोग्राम दे विच पहुंचे खाप पंचायत प्रधान भले राम ने कहा है कि वह धर्मपाल नू खाप पंचायत दे विच भी एक वड्डा अहुदा देणगे जिस तों बाद खाप पंचायत भी धर्मपाल नू सन्मानित करेगी। दस दिए कि 12 नवंबर नू रोहतक जिले के चिड़ी पिंड दे विच होए पंचायत चोणां दे विच धर्मपाल 66 वोटां दे नाल नवीन दलाल नालों हार गए सन जिस तों बाद पिंड वासियां वल्लों उसका हौसला वधाउण दे लई एक कदम चुकया गया। भाईचारा इसमें बरकरार रह रहा है, हार जीत का कोई रोड़ा नहीं है, हार जीत तो चलती रहती है, जीत का भी है। भाईचारा मेरे साथ से और मैं भाईचारे के साथ रहूँगा और भी आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे। पहले सरपंच थोड़ी थे, पहले बहुत लोग अच्छे काम किए और अच्छे काम करते रहे। किस तरह से आपको सम्मानित किया गया है, सबने चंदा इकट्ठा किया है, कितनी राशि? नहीं, ये तो मैंने गांव के भाईचारे के बात से उन्हें क्या किया क्या नहीं किया है, कैसे किया है, उन्होंने अपना सिस्टम किया, मेरे को तो यही बताया था उन्हें। अब आपको 18 तारीख को कल बताई थी, 18 तारीख को आपको सम्मानित किया गया गाँव की तरफ से। इस सम्मान से जो आपको दिया गया है आप खुश हैं? मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ और गाँव जिस भरोसे यकीन पर मेरे को सम्मानित किया गया है उस पर खरा उतरूँगा। किसी प्रकार के मेरे भाई को, गरीब को, भाईचारों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने। खाप पंचायतों में भी आपको जिम्मेवारी देने की बात कही गई है? वो हमारी खाप का निर्णय होगा, क्या जिम्मेदारी, मैं इसको निभा पाऊँगा नहीं निभा पाऊँगा, और जो भी जिम्मेवारी खाप की देंगे उसको बखूबी खरा उतरूँगा। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताएं, पंचायत चुनाव में हार जीत होती रहती है, हारने के बाद कुछ मन मुटाव भी होते हैं, क्या आपके मन में अभी भी है? 1% हार के बाद भी मन मुटाव नहीं था, अब भी मन मुटाव नहीं है। वो भाई है, गाम राम का फैसला है, जो फैसला हमें मंजूर है, अच्छे काम किएगा भाई के साथ हैं और गाँव के अंदर कोई गलत काम होगा उसको हम नहीं देंगे। भावुक था उस टाइम पर, जिस टाइम पर छोटे छोटे बच्चे और उनका प्यार प्रेम देख के, लाड प्यार देख के और रोने लग जाते थे ना लिपट के, इतनी भावुकता थी लोगों में उस टाइम पे, तो मेरा दिल में थोड़ा घबराहट ना, हर जीत के लिए मेरी कोई घबराहट वाली बात नहीं। जो सम्मान मिल रहा है उसे क्या कहेंगे? बहुत बहुत, इतना सम्मान मान तो मैंने शायद ही अपनी जिंदगी में पहली बार देखा होगा, जो आज गाँव राम ने मेरे भाईचारे ने सुना। ऐसा मामला हरियाणा में पहली बार देख रहे हैं जब एक हारे हुए प्रत्याशी को इस तरह सम्मान मिल रहा है, ये भाईचारे का प्रतीक है और इसमें मैं भी नहीं आऊँगा। भाईचारे बलेराम नरवाल, राष्ट्रीय नरवाल खाप अध्यक्ष, अपने अथुरा गांव है मेरा, और समाज सेवा का भगवान ने मेरे को जिम्मा दिया है, लोगों ने दिया है समाज सेवा। अच्छा, यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ है, एक सरपंच चुनाव में जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनका बड़ा जोर शोर से सम्मान किया गया है, आप लोग भी यहाँ पर आए हैं और आप कह रहे हैं कि उन्हें भी जो खाप पंचायत है उसमें अलग से पद दिया। ये चिड़ी मेरा गांव है, मेरा कथुरा बारा का गांव है, चिड़ी मेरा गांव है, मेरा कथुरा बारा का गांव है, और गांव ने मेरे को कल जा करके संदेशा दिया, हम आपका भी सम्मान करेंगे और हम काला चेयरमैन का सम्मान करेंगे, गांव की तरफ से आपका गांव है, आप हमारे बुजुर्ग हो, बड़े हो, और आप वहाँ मंच पर आओ, हम आपका भी सम्मान करेंगे। मैं अपने एचडी गांव का भी पूरी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और काला चेयरमैन जो हमारा अजीत है, मैं हमारा बेटा है, इसको भी आशीर्वाद देता हूँ, इनका सबका गांव का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो हमारा ये धन्यवाद किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं पूरी 36 बरादरी का धन्यवादी हूँ। कुछ धनराशि भी दी गई है इन्हें और सम्मान के तौर पर? सम्मान दिया है इन्हें, जो दिया सम्मान की बात है, सम्मान दिया है,
वो गांव वालों से निवेदन करूंगा सम्मान दिया गांव का धनराशि का चलाने के लिए कुछ न कुछ धनराशि तो दी होगी देनी भी चाहिए क्योंकि गाड़ी का पहिया कैसे चलेगा बगैर धनराशि तो दिया होगा अच्छी बात है गाँव का बढ़िया काम है गाँव ने दिया है बढ़िया किराया गाँव ने एक नई परंपरा डाली है ये समाज इससे भाईचारा हमारा बनेगा बैठेगा नहीं बनेगा बढ़िया बनेगा समाज हमारा भाईचारा रहेगा और इसमें गाँव ने एक पहल करी है बहुत बढ़िया पूरे देश में ये शायद पहल हुई है एक चुनाव सरपंची का चुनाव और उसके हारने के बाद में इतना बड़ा मान सम्मान जो गाँव ने दिया है उसके लिए चलिए गाँव धन्यवाद है धन्यवाद का पात्र है गाँव।